हमारे भीतर से जो पहली आवाज आती है वो आवाज अहंकार की होती है। पहली बार किसी चीज का जब जवाब मिले ना, हमें ये करना है, जैसे अभी यहां बैठे हैं और दो आदमियों के बीच ऐसा देखा देखी हुआ, बस तेरी ती पहली आवाज अहंकार की उठती है, दूसरी आवाज संस्कार की उठती है, जो कई जन्मों से तुम्हारे आत्मा के ऊपर संस्कार पड़े हैं, और इस जन्म में अगर मैया बाबा ने तुम्हें कुछ सिखाया है तो अब वो संस्कार किया हुआ छोड़ दो यार, क्या फायदा है, बाद में देख लेंगे। ये संस्कार है, ये भी खतरनाक है, संस्कार भी बहुत अच्छे नहीं है। भगवत मार्ग में संस्कार भी बहुत उत्तम नहीं माना गया है, मध्य का चीज है तो है, होना ही चाहिए, लेकिन संस्कार से परमात्मा मिलते हैं ऐसा कभी नहीं। पहली आवाज अहंकार की, दूसरी आवाज संस्कार की। मान लो धूर्त आदमी है, अगर धूर्त आदमी है तो उसका संस्कार क्या बना हुआ है, अभी बोलने में नुकसान है, मारपीट हो जाएगा, लोभ हो जाएगा, इसको बाद में निपटेंगे इसको, अब उसका संस्कार बोल रहा है, उसने संस्कार जो सीखे हैं धूर्तता के जन्मों जन्मों से और अपने इस जन्म में अपने माता पिता और पड़ोसियों से। पहला तो अहंकार, दूसरा संस्कार, घाटा हो जाएगा, यह आदमी अभी भी व्यापार में है, संस्कार। और तीसरी ध्वनि, इस दुनिया में तीन ही ध्वनि है, तीन ही ध्वनि तुम्हें जीवन में मिलती है। आज मैंने इसको रात्रि में जब यहां सोया और शयन करने के बाद प्रातः उठा तो यही सब गुनगुन रहा था कि कुछ क्या गुनू, तो मुझे लगा ये संस्कार भी तो बड़ा खतरनाक है। अरे तुम्हारे माता पिता के दिए संस्कार ही तो बच्चों का बेड़ा गर्क करा दिया तुम्हारे माता पिता का, लोगों ने, माता पिता ने जो संस्कार दिए उसी से तो रावण का बेड़ा गर्क हो गया। तो संस्कार कौन से अच्छे हैं, आखिर उसने भी तो संस्कार दिया था ना। संस्कार क्या समझते हो, केवल शुभ, शुभ और अशुभ संस्कार, संस्कार संस्कार है, उसमें शुभ जोड़ दो अशुभ जोड़ दो, तो संस्कार को भी बहुत अच्छा नहीं माना गया है, संस्कार से भी परमात्मा नहीं मिलते। और तीसरी ध्वनि कहते हैं, उसको कहते हैं ओंकार या गुरुदेव सरकार, मैंने यही जोड़ा है, ओंकार की ध्वनि ही गुरुदेव सरकार की ध्वनि है। तो तीसरी जब आवाज जीवन में प्रोमिनेंट हो जाती है, ओंकार की ध्वनि जब प्रोमिनेंट हो जाती है, ओंकार की ध्वनि का अर्थ है जीवंत सदगुरु की वाणी ही ओंकार है, ओंकार। अब इस पर विवेचना हम कभी करेंगे कि ओंकार क्या है, अगर जीवंत सदगुरु न हो, उसकी वाणी न हो तो ओंकार का क्या अर्थ है। तो पहला अहंकार, दूसरा संस्कार, इन दोनों से भी कोई काम नहीं चलता, बात तो बनती है ओंकार से, और ओंकार पुष्ट होता है श्री गुरुदेव की वाणी से, गुरुदेव के मंत्र से। इसलिए सदा ओंकार की ध्वनि सुनो। तुम या तो अहंकार में जी रहे हो या संस्कार में जी रहे हो, अभी तक ओंकार में नहीं आए हो।